प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों आज हम फिर से आप सभी के बीच एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। साथियों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, उल्लास नौफाल साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा। साथियों नौ छात्रों का मार्च के महीने में 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। साथियों तो साथियों ANIOS पर जो है नौ छात्रों का जो है सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है। साथियों तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं साथियों साक्षरता मूल्यांकन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें। हमारे वीडियो में आप भी बने रहिएगा साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो पूरा देखें साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे शिक्षक साथी तक जो है शेयर करें। साथियों लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा एक मैसेज करें, सुझाव दें, जो भी वीडियो में कमी आए तो अपना सुझाव जरूर दें। ओके साथ आइए हमारे वीडियो में आप भी बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ANIOS पर जो है नौ साथियों का रिजल्ट अपडेट कैसे किया गया है। साथियों तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे साक्षरता मूल्यांकन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यानी अंकसूची कैसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आप कैसे निकालेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया साथियों, शायद उस वीडियो को आप सभी ने देखा भी होगा। साथियों ये जो है रिजल्ट मार्च 2024 का है। तो साथियों इस रिजल्ट को आप डाउनलोड कर लें, इसका प्रिंट निकाल लें, और अपने साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में जो भी आपके असाक्षर बैठे थे उनको जो है अपना प्रमाण पत्र जरूर वितरण करें। ओके साथियों तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय साथियों सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, यहाँ पे किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे गूगल के सर्च बार पे हम टाइप करेंगे ANIOS रिजल्ट। यहाँ पे हमने टाइप किया और result.anios इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों और जैसे क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे ओपन है। सबसे ऊपर यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2024 2022 2023। यहाँ पे एक ऑप्शन है साथियों 2023-24 मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। साथियों बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। साथियों वीडियो को आप अंत जरूर देखेंगे। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 2023-24 का पेज यहाँ पे ओपन है। साथियों इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ओके साथियों और जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं, इनरोलमेंट, सेलेक्ट ईयर और सेलेक्ट मंथ। तो इनरोलमेंट में आप अपने विद्यालय का, जिस विद्यालय का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस विद्यालय के यहाँ पे U-कोड आप डालेंगे। ओके साथियों यहाँ पे हम U-कोड विद्यालय का डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने U-कोड डाल दिया। ओके साथियों इनरोलमेंट नंबर, अब इसके बाद जो है जिस असक्षर का जो है आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे उसका रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर आपको क्रम से डालना है, जैसे 001 002 003। अब यहाँ पे हम 002 यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। जैसे U-+U-कोड डालेंगे उसके आगे जो है आपको 002 003 इस प्रकार जो है रोल नंबर फिल कर देना। ओके साथियों इसके बाद सेलेक्ट ईयर, यहाँ पे सेलेक्ट ईयर 2024 2023, तो 2024 में हम क्लिक करते हैं क्योंकि मुझे 2024 का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ओके साथियों 2024। इसके बाद मंथ, अब यहाँ पे दो मंथ आएगा साथियों, सितंबर में भी हुआ था और मार्च महीने में, यानी साल में दो बार जो है परीक्षा आयोजित किया गया था, मार्च में हुआ था और मार्च में यहाँ पे चूज कर लिया। ओके अब इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना साथियों। कैप्चा कोड यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे बॉक्स में आपको फिल करना है। इसे बहुत सावधानी से आप करेंगे, यदि समझ में नहीं आएगा साथियों तो इसको एक बार जो है इस प्रकार जो है स्किप कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा, यानी आपको जो समझ में आए वही यहाँ पे भरना है। ओके साथियों यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं जिस प्रकार दिया गया है वही आप से हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं साथियों, और यही फिल करने के बाद जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे, नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, अब फिर से हम ट्राई करेंगे एक बार जो है। हम यहाँ पे जो है फिर से U-कोड डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है 01 यहाँ पे हमने डाल दिया है 001
इसके बाद सेलेक्ट ईयर 2024 और सेलेक्ट मंथ मार्च। और फिर से यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे साथियों, जो कैप्चा कोड दिया गया है वही कैप्चा कोड फिल करना है, बहुत ही बारीकी से बहुत ही ध्यान से कैप्चा कोड फिल करना है साथियों, क्योंकि कैप्चा कोड यदि गलत हो जाएगा तो आप जो है प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है साथियों, यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है श्रीमती मिसेस, और यहाँ पे जो है नाम आ चुका है, फादर्स का नाम आ चुका है, उम्र आ चुका है और अनुक्रमांक यहाँ आ चुका है, दिनांक किस डेट को परीक्षा हुआ था 17/3/2024 को, पूरा डिटेल आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके साथियों, तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है साथियों, और यहाँ पे जो है विद्यालय का जो है यहाँ पे विषय का कोड आ चुका है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद विषय दिया गया है पढ़ना लिखना संख्यात्मक, यहाँ पे पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक देखिए, और परिणाम यहाँ पे परिणाम देखिए सफल यानी पास। ओके साथी, अब यहाँ पे डायरेक्टर का जो है सिग्नेचर है, यहाँ पे मूल्यांकन NIS। अब यहाँ पे आपको सील लगा देना है साथियों, यहाँ पे विद्यालय का जो है हेडमास्टर यहाँ पे सील लगा देंगे। सिग्नेचर करने के बाद यह जो सर्टिफिकेट जो है अपने नौसाचरों को वितरण कर देंगे। ओके साथियों, अब इसका प्रिंट आप कैसे निकालेंगे साथियों, तो यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं दाहिने साइड में जो है 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें एक ऑप्शन है प्रिंट, और प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे इसको आप PDF में जो है इसको सेव अस PDF, इसे PDF में आप सेव कर लेंगे। ओके साथियों, PDF में सेव करने के बाद इसे आप प्रिंट इसको निकाल लेंगे, NIOS सर्टिफिकेट टू लास्ट। ओके साथियों, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। ओके साथियों, अपने याद के लिए। ओके, और इसके बाद सेव कर लेंगे, और इसका प्रिंट जो है आप बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। ओके साथियों, आज का बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।